अब इतिहास खुद को फिर से दोहराने वाला था। एक तरफ थे द कंजर्वेटिव्स जो पूरी सत्ता हासिल करना चाहते थे, जो सोसाइटी को दबाना चाहते थे, पर दूसरी तरफ थे द एजुकेटेड मिडिल क्लास के लोग, द लिबरल्स, जिनको अब ये नए कंजर्वेटिव्स गवर्नमेंट की मनसा अच्छी तरीके से समझ आने लगी थी। वियना कांग्रेस के बाद बहुत सारे लिबरल आंदोलनकारी अब अंडरग्राउंड होने लगे, सीक्रेट सोसाइटी अब बनने लगा। ये सीक्रेट सोसाइटी में आंदोलनकारियों को ट्रेनिंग किया जाता था, लिबर्टी और फ्रीडम के आइडियाज को स्प्रेड किए जाते थे। उस टाइम एक रिवोल्यूशनरी होने का मतलब था कि एक कमिटमेंट टू अपोज द मोनार्कियल फॉर्म, जिससे वियना कांग्रेस के बाद एस्टेब्लिश किया गया था। तो ये सीक्रेट सोसाइटी को अब फ्रीडम और लिबर्टी का भाव को स्प्रेड करना था, और ये लोग अब जान चुके थे कि उनके फ्रीडम मूवमेंट के लिए एक नेशन स्टेट का बनना बहुत ही ज़रूरी था। अब एक प्रमुख क्रांतिकारी इटालियन रिवोल्यूशनरी जोसेफ माजिनी की बात करते हैं। जोसेफ माजिनी वॉज बॉर्न इन जिनोवा इन द ईयर ऑफ 1807। उस वक्त के सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कार्बनारी के एक मेंबर बने जोसेफ माजिनी। 24 साल की उम्र में उनको एग्जाइल में भेज दिया गया, मतलब उनको अपने होम टाउन से बाहर कर दिया गया। क्यों? बिकॉज 1831 में उन्होंने लिगुरिया में एक रिवोल्यूशन का अटेम्प्ट किया था, तो इसलिए उनको एग्जाइल में भेज दिया गया था। अब एग्जाइल में तो भेज दिया, पर वहाँ भी माजिनी ने दो नए अंडरग्राउंड सोसाइटी का एस्टेब्लिश कर दिया। पहला था द यंग इटली इन मार्साइल्स और फिर द यंग यूरोप इन बर्न। तो ये दो अंडरग्राउंड सोसाइटी के मेंबर थे पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन स्टेट के लाइक माइंडेड यंग मैन, जवान। और माजिनी का ये मानना था कि भगवान ने एक नेशन को नेचुरल यूनिट ऑफ मैनकाइंड बनाया था, तो इसीलिए अब इटली को ऐसे पैच अलग किंगडम्स में रखा नहीं जा सकता था। इटली को एक सिंगल यूनिफाइड नेशन में जोड़ना बहुत ही जरूरी था। यही यूनिफिकेशन ऑफ इटली बन सकता था द बेसिस ऑफ इटालियन लिबर्टी। तो यही सोच विचार को मॉडल मानकर अब जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में बहुत सारी सीक्रेट सोसाइटी का उत्पन्न होने लगा। माजिनी का ये निरंतर ऑपोजिशन टू द मोनार्की और उनके डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक के जो विजन थे, ये अब कंजर्वेटिव्स को जो मोनार्की को बहुत डराने लगा था। इतना तक कि ऑस्ट्रियन चांसलर मैटरनिस, जिसने वियना कांग्रेस को होस्ट किया था, वो तो ये तक भी बोल गए कि माजिनी उनके सोशल ऑर्डर के लिए सबसे खतरनाक दुश्मन है। द एज ऑफ रेवोल्यूशन। अब कंजर्वेटिव्स जितना ऑप्रेस करना चाहते थे, उतना ही लिबरलिज्म और नेशनलिज्म लोगों के दिल और दिमाग में उतरने लगा था। इन मेनी रीजन्स ऑफ द यूरोप, इटली, जर्मन, ऑटोमन एम्पायर्स, आयरलैंड और पोलैंड, इन सब जगहों में अब रिवॉल्यूशन को आगे बढ़ा रहे थे एजुकेशनलिस्ट, मिडिल क्लास एलाइट्स जैसे प्रोफेसर, स्कूल टीचर, क्लर्क्स और कमर्शियल मिडिल क्लास के लोग। ये सब अब आंदोलन को आगे ले के जा रहे थे। एंड इसका पहला इंसिडेंट हुआ 1830 में, वही जुलाई महीने में, फ्रांस में। वो फ्रांस जहाँ 1789 में भी कुछ ऐसा ही माहौल बना था। इतिहास के रुख को देखो, फिर से वही कसौटी पे ला उतारा है। 1789 से 1830, लगभग ये 50 सालों में इतिहास फिर से खुद को दोहरा रहा है। क्या क्या नहीं हुई। लुइस 16 हटा, रॉबर्टस्पायर का उत्पात मचा था, नई सरकार बनी, नेपोलियन आया, नेपोलियन गया, फिर से बॉर्बन को रिस्टोर किया गया। अब 1830 में फिर से बॉर्बन किंग को ओवरथ्रो करके लुई फिलिपे को कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया। वैसे ऐसे देखा जाए तो ये जो लुई फिलिपे, ये बॉर्बन किंग का कजिन ही था, पर ये अपने कजिन के अगेंस्ट जाकर लिबरल्स को सपोर्ट कर रहा था, तो इसलिए इसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्क बनाया गया।
ऐसा देखा जाए तो फ्रांस एक सेंटर बन चुका था पूरे यूरोप की। मेटरनिश ने तो ये भी बोला कि व्हेन फ्रांस स्नीजेस रेस्ट ऑफ द यूरोप कैचेस कोल्ड। फ्रांस जब छींकता है बाकी यूरोप को सर्दी लग जाती है। अब ये जो जुलाई का रेवोल्यूशन चल रहा था वो ब्रसेल्स में भी अपराइज होने लगा। बेल्जियम अलग हुआ नीदरलैंड से। हमने देखा था बेल्जियम को नीदरलैंड के साथ रखा गया था जब वियना कांग्रेस में फ्रांस के नॉर्थ में एक स्टेट को एस्टेब्लिश किया गया था। तो फिर अब बेल्जियम अलग हुआ नीदरलैंड से। अब यूरोप में एक और इम्पोर्टेंट इवेंट हुआ जो नेशनलिज्म को और सुदृढ़ किया, वो है द ग्रीक वार ऑफ इंडिपेंडेंस। देखो, ग्रीस को यूरोप सिविलाइजेशन की क्रेडल माना जाता है। क्रेडल बताया ना, ये एंशियंट ग्रीस की सिविलाइजेशन वॉज एक्सट्रीमली पावरफुल एंड सक्सेसफुल। आज भी देखा जाए तो ग्रीस के वेस्ट साइड को वेस्टर्न वर्ल्ड बोलते हैं और ग्रीस के ईस्टर्न साइड को ईस्टर्न वर्ल्ड बोला जाता है। तो ये ग्रीस जो कि यूरोपियंस के लिए इतना इम्पोर्टेंट था, जिसकी सिविलाइजेशन वॉज रोल मॉडल फॉर देम, इसको 15th सेंचुरी से ही ओटोमैन एम्पायर ने कैप्चर करके रखा था। अब रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म के आइडियाज जैसे जैसे यूरोप में फैलने लगा तो ग्रीस के इंडिपेंडेंस स्ट्रगल स्टार्ट हो गया टुवर्ड्स 1821। जो सारे ग्रीक के लोग बाहर एग्जाइल में रहते थे अब वही इंडिपेंडेंट मूवमेंट को सपोर्ट करने लगे। वेस्टर्न यूरोप के इमोशंस एंशियंट ग्रीस से जुड़ी हुई थी, सो वेस्टर्न यूरोप भी ग्रीस को सपोर्ट किया अगेंस्ट द मुस्लिम ओटोमन एम्पायर। एक इंग्लिश पोइट की ही बात देख लो, लॉर्ड बायरन, इन्होंने फंड रेस किए थे और बाद में खुद ही चल पड़े ग्रीस के इंडिपेंडेंस के लिए वार पे। ही डाइड इन फीवर इन द ईयर ऑफ 1824। तो ये सब के बाद फाइनली इन द ईयर ऑफ 1832 एट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपोल ग्रीस इंडिपेंडेंट हुआ। Igniting curiosity. एक गुजारिश थी, मानोगे ना? वीडियो अगर अच्छा लगा तो बस एक फ्रेंड को शेयर कर दो। बस यही छोटी सी हेल्प आप अपनी तरफ से कर लो, मैं खुद के तरफ से ऐसे ही मूवी लाइक वीडियोस बनाता रहूंगा। कुछ हम करें कुछ आप करो, ऐसे ही तो चलेगी ना गाड़ी आगे। और कमेंट्स करना जरूर, बिकॉज आपके कमेंट्स आर फ्यूल्स फॉर मी।